गुड मॉर्निंग किड्स. गुड मॉर्निंग सर. अब देखो हमारे पास एक स्टैंजा है. आपको स्टैंजा को क्या करना है, सबसे पहले इसको रीडिंग करनी है हमने. करो. रीटा लव हर डॉग एवरीडे. एक बच्चा करेगा. रीटा लव हर डॉग टेरू एवरीडे. टेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम ब्लैक हिमसेल्फ बट ऑन दे ही डिड ऑन कम होम. रीटा लॉक्ड लॉगनी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम. Tears rolled down her cheeks. Seru was lost crying when the नहीं ये वाली लाइन कहाँ गई. He was now nowhere to be found. Rita was crying when the Richard reached home. He got into her bed. All of a sudden something jumped all on her. Can you just guess who it was? Rita was very happy. ठीक है. अब देखो ये स्टैंजा हो गया हमारा पूरा. yes, अब देखो इसमें एक नया वर्ड आया टीयर्स. टीयर्स का मतलब होता है क्या, आंसू. ठीक है. टीयर्स आंसू. रोल्ड डाउन मतलब नीचे आना. रोल डाउन मतलब नीचे आना. अब देखो गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू. जो ब्लू में लिखे हुए हैं उनके हमको क्या करने हैं, अपोजिट्स लिखने हैं उनके. अपोजिट को इंग्लिश में एंटोनिम भी बोलते हैं. ठीक है. जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उल्टे को क्या बोलते हैं, विलोम भी बोलते हैं. तो वैसे ही हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या तो अपोजिट बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एंटोनिम. क्या बोलते हैं, एंटोनिम. तो इनके हमको एंटोनिम्स लिखने हैं. अब देखो यहाँ पर ब्लू में लव्ड है. तो लव्ड का लव का हेट होता है. तो क्या लिख दोगे, हेटेड. क्या लिख दोगे, हेटेड. अब देखो फिर गो आउट. गो आउट का बताओ, कम. गो आउट का कम आउट. नो कम आउट का इन. इन कम इन. इन अब है कम का, कम का गो आउट. एवरीवेयर का, एवरीवेयर का नोवेयर. एवरीवेयर का ये हो जाएगा नोवेयर. और नोवेयर का क्या हो जाएगा, एवरीवेयर. डाउन का अप. अप. लॉस्ट का, लॉस्ट मतलब होता है खोना. फाउंड मतलब होता है पाना. तो लॉस्ट का हो गया फाउंड. क्राइंग का, क्राइंग मतलब चिल्लाना रोना. क्राइंग का हो जाएगा लाफिंग. लाफिंग का मतलब होता है हंसना. क्राइंग का मतलब होता है रोना. तो रोना का क्या हंसना होगा. हैप्पी का अनहैप्पी भी लिख सकते हो और सैड भी लिख सकते हो. वेरी गुड. अभी हमने सीखा था ना अनहैप्पी. हैप्पी का अनहैप्पी भी हो सकता है और सैड भी लिख सकते हो. ठीक है. तो बाकी आपको ये स्टैंजा एज इट इज लिखना है. ठीक है. और जहाँ पर जो जो ब्लू हो रखे हैं उनकी जगह आपको उसका एंटोनिम लिख देना है. अब देखो दूसरा है राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी. अब देखो यहाँ पर को दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, उनमें हमने क्या क्या लिखने हैं. कैपिटल्स लिखने हैं जहाँ जहाँ पर नहीं लिखे हुए, क्योंकि उन्होंने ये जो पूरा सेंटेंस है वो काई में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है. तो कहाँ कहाँ पर लगता है कैपिटल सर, एक दो. हाँ, कहीं पे लाइन खत्म होती है उसके आगे. कहाँ, जहाँ पर लाइन खत्म होती है, जहाँ पर फुल स्टॉप होता है, उसके बाद जो पहला अल्फाबेट होता है वो क्या होता है, कैपिटल. और जहाँ से शुरू होती है, हाँ जहाँ से शुरू होती है मतलब वही. और सर किसी के नाम में, किसी के नाम में, किसी कंट्री के नाम में, कंट्री के नाम में, जगह के नाम में, जगह के नाम में, वो सारे क्या होते हैं, डे के नाम. हाँ डे के नाम में कैपिटल होते हैं. तो चलो यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे आएगा. कहाँ पे आएगा, सबसे पहले ओ, फिर सैटरडे, अमरजीत, रानी, इंडिया गेट, सिस्टर, सिस्टर में नहीं, राज, राज. एक जगह पे और है अभी, डक्स. नो, वाटर. नहीं, वाटर में नहीं सर, देयर. वेरी गुड, देयर में टी कैपिटल. ठीक है, बाकी एज इट इज आएगा. दूसरा है ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माय ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोट्स, डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम. इसमें कहां पर आएगा कैपिटल सर, ओ. ओ बाकी इसके अलावा सर है, बाकी कहीं नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं है,
कुछ नहीं है, ना कहीं फुल स्टॉप है। क्लियर है?